आज के इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि बेस्ड है थिन फिल्म इंटरफेरेंस पर। तो इस प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट विच हैज़ वेवलेंथ 5,890 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर विच इज़ इंसिडेंट ऑन ए थिन ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू 1.5 सच दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन टू द प्लेट इज 60 डिग्री एंड कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट विच विल अपीयर डार्क बाई रिफ्लेक्शन। तो इस प्रॉब्लम में हमें बेसिकली इस ग्लास प्लेट की थिकनेस कैलकुलेट करनी है और जो कि अपीयर होगी डार्क बाई रिफ्लेक्शन। तो डार्क होने का जो कंडीशन है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वो कंडीशन है दैट इज 2μt cos r इज इक्वल्स टू एन लेमडा। इस इक्वेशन में म्यू है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और t इज अ थिकनेस ऑफ दिस ग्लास प्लेट, r इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेमडा इज अ वेवलेंथ एंड n इज द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। ओके, तो ये सारी जो वैल्यूज हैं वो हमें इसमें कौन कौन सी वैल्यू इसमें गिवन है चलिए हम ये देखते हैं। तो इसमें हमें जो वैल्यूज गिवन है बेसिकली हमें इसमें r का आइडिया है, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 60 डिग्री दे रखा है। हमें वेवलेंथ का आइडिया है, वेवलेंथ इसमें हमें नोन है दैट इज 5,890 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर एंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.5। तो ये सारे नॉन पैरामीटर को अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें यहाँ से जो टी का वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। पर यहाँ पे एक अननोन पैरामीटर और है, वो है एन, तो उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। तो इस सारी वैल्यूज़ को अगर हम एक नया इक्वेशन टी के फॉर्म में बना लेते हैं, सो हियर टी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा डिवाइड बाई 2μ cos r। तो यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज़ नोन है, केवल n की वैल्यू हमें यहाँ पे आइडिया नहीं है। तो n का आइडिया हमें मिल सकता है इस लाइन से, इस लाइन में कहा गया है कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट विच विल अपीयर डार्क बाय रिफ्लेक्शन। सो स्मॉलेस्ट थिकनेस जो हमें तभी मिलेगी जब हम n की वैल्यू n सब्स्टिट्यूट करें, अदरवाइज n की हायर वैल्यूज़ के लिए 2 के लिए हमें वो थिकनेस स्मॉलेस्ट नहीं होगी, n की वैल्यू 1 के लिए हमें इसमें जो थिकनेस है वो स्मॉलेस्ट थिकनेस मिलेगी। तो सारी वैल्यूज अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये इक्वेशन हमें कुछ इस फॉर्म में मिलेगी, एन की वैल्यू 1 रख दी हमने, लैम्डा की वैल्यू भी रख दी और 2μ एंड कॉस ऑफ आर, कॉस ऑफ आर यानी बेसिकली कॉस ऑफ 60 डिग्री हमें दे रखा है, तो कॉस ऑफ 60 डिग्री इज 1/2, सो दैट्स वाई हेयर 0.5। तो ये सारी वैल्यूज़ को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें फाइनल जो आंसर मिलेगा वो कुछ टी का ही आंसर मिलेगा, दैट इज 3.926 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर। सो दिस इज अवर सॉल्यूशन। सो ये था प्रॉब्लम जिसमें हमने ये थिकनेस ग्लास प्लेट की कैलकुलेट की। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।